मेरे परिवारजनों, देश में ऐसा कोई नहीं है जिसे कांग्रेस ने कभी ठगा नहीं है। हर चुनाव में कांग्रेस कर्ज माफी का झुनझुना लेकर आती रहती है। पिछली बार भी उन्होंने यही किया था, लेकिन कांग्रेस का इतिहास है कि कांग्रेस की कर्ज माफी का फायदा किसानों को नहीं, कांग्रेसियों को, उनके चेले चपाटों को ही मिलता है। जबकि भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। हम किसानों के हर छोटे बड़े खर्चों की चिंता कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खाते में जमा भेजे गए। मध्य प्रदेश में तो डबल इंजन सरकार के कारण किसानों को डबल फायदा मिल रहा है। आज अनाज हो या फिर दलहन तिलहन, कांग्रेस राज की तुलना में भाजपा सरकार कहीं ज्यादा मात्रा में खरीद कर रही है। हाल ही में गेहूं, चना और दूसरी फसलों के एमएसपी में भी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। इसका लाभ भी मध्य प्रदेश के किसानों को होगा। किसानों को महंगा यूरिया, महंगी खाद ना खरीदनी पड़े, इसके लिए भी भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है। विदेशों में यूरिया की जो बोरी 3,000 रुपये की है, आज वही बोरी भारत के किसानों को 300 रुपये से भी कम मिलती है। इस पर भी भाजपा सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है।